गई so, साल की सबसे महंगी वीडियो आ चुके है आज हम बात करने वाले हैं सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आईफोन्स के बारे में जो आईफोन्स आज की डेट में इंडिया में एप्पल वाला सेल कर रहा है सारे हमने ख़रीद लिए हैं आप लोगों के लिए एंड मैं आपको बताने वाला हूं भाई आपके लिए कौन से बजट में सबसे बेस्ट आईफोन कौन सा है सारी बातें एकदम डिटेल में बताऊंगा ऑलमोस्ट सारे आईफोन्स को मैंने पर्सनल डिवाइस कुछ दिन यूज़ है उसके बाद में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ अर्ली टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री साउ देखो सबसे पहले कुछ आईफोन को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं जिनको प्लीज बाय मत करना तो अच्छा होगा आईफोन एस सी थ्री पचास हजार रुपए का एप्पल ने कर दिया क्या माल फूक के एप्पल काम करता है आई हैव नो आइडिया प्लीज उसको इग्नोर करो एकदम बुरी तरीके से इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर है उसके बाद आईफोन इलेवन आईफोन एक्स आर वैसे भी इंडिया में ये सारे आईफोन डिसकंटिन्यू हो चुके हैं तो उनको भी इग्नोर करना आईफोन एक्स आर और इलेवन जो है उसमें पहले से एल स्क्रीन आती थी मतलब बहुत सारे लोगों को अभी भी वो फ़ोन पसंद है ऐसा नहीं है ख़राब फ़ोन है बट आई पर्सनली सजेस्ट यू अगर आपको आई लेना है तो कम से कम आई फोन ट्वेल्व से आप स्टार्ट करिए आज की डेट में अगर आपको अच्छे महंगे में चाहिए तो आप लोग उसके हिसाब से अपना बजट बढ़ाइए और अपना आई लेने का एक्सपीरियंस बढ़ाइए हम लोग देखो यहाँ पर आई फोन ट्वेल्व से स्टार्ट करेंगे उसके बाद थर्टीन थर्टीन प्रो फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर्टीन प्रो मैक्स सारे आईफोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कौन से प्राइस में कौन सा सबसे बेस्ट है आप लोग के लिए क्या बेस्ट रहेगा और देखो मोस्टली कैसा होता है बहुत सारे लोग है ना जब न्यू आईफोन आता है तो प्रीवियस ईयर के आईफोन की तरफ जाते हैं एक साल पीछे चलते हैं क्योंकि एक साल बाद ना वो आईफोन्स की हमको बहुत अच्छी कीमत में वो आईफोन्स मिल जाते हैं न्यू भी या फिर इवन सेकेंड हैंड भी तो अगर आपको सेकेंड हैंड लेना है उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ भाई ये सेम वीडियो आई सी लास्ट ईयर भी हमने की थी आईफोन बाइंग गाइड वाली तो वो वीडियो ऑलमोस्ट एक मिलियन होने आ रहा है थैंक यू सो मच यार भाई दे ये जो सारे फोन्स हैं हमने खुद के पैसे से परचेस करे हैं जितना भी यूट्यूब से आता है सब हम इसमें डाल देते हैं तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप लोग ज्यादा कुछ नहीं हमको सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब करोगे मज़ा आ जाएगा विद लेट्स स्टार्ट आवर गाइड विद आई फोन ट्वेल्व ये है आई फोन ट्वेल्व और सेम ऐसा ही आई फोन भी हमको देखने को मिलता है लेकिन साइज कुछ इतनी बड़ी आती है जैसे आप लोग देख रहे हो जैसे ये देखो ये आई फोन है इसके साइज़ का ये आई फोन भी आता है एकदम सेम रहता है कुछ इस साइज का जो आई फोन ट्वेल्व है और 12 मिनी ऑलमोस्ट सेम टू सेम फोन्स है आई 12 सीरीज जो है उसके अंदर हमको एप्पल का ए फोर्टीन बायप सेट देखने को मिलता है 5G है बहुत बेहतरीन फोन है एंड जैसे आप लोग देख रहे हो आई 12 जो है पूरा कंप्लीटली एल्यूमिनियम में बना हुआ है बहुत बेहतरीन फोन है नो no डाउट हाथ में बहुत अच्छे से बैठता है और कंफर्टेबल फील होता है जो आई फोन ट्वेल्व मीनी है वो भी प्लस जो आई ट्वेल्व है जैसे आप लोग देख रहे हो इसका जो साइज है इन हैंड फील है तो एकदम सेम फील होता है और काफी कंफर्टेबल है इन हैंड फील वगैरह भी आई फोन ट्वेल्व की बहुत अच्छी है जो ये मिनी है और जो ट्वेल्व है नॉर्मल वाला

वाली एंड वही यहाँ पर अलर्ट स्लाइडर और बटन देखने को मिलते हैं फाइव जी है फोर जी है नेटवर्क वगैरह बहुत अच्छे से काम करता है सारी चीजें मस्त है इसके अंदर कैमरा सुपर्भ है बारह बारह मेगा पिक्सल के दो कैमरा देखने को मिलते हैं फ्रंट में हमको भी एक और बारह मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है आज की डेट में आई फोन ट्वेल्व जो है वो लगभग लगभग लग फोर्टी के आसपास आपको ईजिली मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द मार्केट में बट एप्पल जो है वो साठ हजार रुपए बेच रहा है एप्पल का तो अलग ही जलवा है एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट से लेके मतलब नहीं है एमजॉन पे यूजुअली सेल चलते रहती है तो वहां पर आपको चालीस हजार या पैतालीस हजार के आसपास आपको आई 12 मिल जाएगा बट अगर आपको 45000 हजार डालना है, तो मैं आपको आई फोन ट्वेल्व नहीं सजेस्ट करूंगा आपको एक वन डे की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी उसके अंदर हमको लगभग लग 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 अगर बात करूं तो साढ़े छह घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है वहां से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ जो है हमारा आई फोन थर्टीन एंड आई पर्सनली फील कि आज की डेट में सबसे बेस्ट आईफोन टू बाय और सबसे स्वीट स्पॉट कोई आईफोन का है तो वो यही है अगर आपके पास पचास हजार रुपए का बजट है आपको फ्लिपकार्ट के सेल में ये पचास हजार रुपए में मिल रहा था अभी भी इजीली आपको सिक्सटी वन थाउजेंड सिक्सटी टू थाउजेंड में मिल जाता है बट अगर आप थोड़ा सा यहां वहां से मतलब सेकंड हैंड में देखते हो तो आपको फिफ्टी फोर फिफ्टी वन फिफ्टी टू के आसपास मिल जाता है तो पचास हजार रुपये में दी बेस्ट आईफोन फॉर श्योर तो पूरा एल्यूमिनियम का बिल्ड है यहाँ पर वही स्विच है बट यही थर्ड क्लास का हमको यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है वही तो एक इशू है बाकी यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलता है एल्यूमिनियम की बिल्ड है पूरी मजबूत पीछे वही ग्लास बैक है और यहाँ

काफी अच्छा है मतलब आपको बहुत ज्यादा नहीं फील होगा वन एटी सिक्स ग्राम ग्लास लगा के तो वेट वगैरह भी काफी बैलेंस है हाथ में भी अच्छे से बैठता है और सिक्स इंच का स्क्रीन है बहुत सारे लोग आएगी कॉन्टेंट वगैरह देखने में मजा आता है स्पीकर एकदम लाजवाब है प्लस इसके अंदर हमको एप्पल का ए फिफ्टीन चिपसेट देखने को मिलता है बहुत पावरफुल बहुत तगड़ा है आप कोई भी गेम खेलो ये सारे फोन की मैं बात कर रहा हूँ आप इसमें कोई भी गेम्स खेलो आपको कोई भी गेम्स वगैरह में कोई तकलीफ नहीं है भाई एकदम टॉप नॉच गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है सारे ईफोन्स के अंदर तो ये मेरे को काफी अच्छा लगता है परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे आईफोन के अंदर हमको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है जो है आईओ का सिक्सटीन वर्जन जो है वो थोड़ा सा बगी है भी फिलहाल लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भाई सबके अंदर हमको सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है हैप्टिक्स वगैरह सबके एकदम सॉलिड है आपको कोई भी आईफोन् के अंदर हैप्टिक्स का इशू नहीं आएगा अगर आपका बजट पचास हजार से साठ हजार के बीच में है देन दिस आई 13 इज द बेस्ट फोन फॉर यू फॉर श्योर उसी थोड़ा रेंज में अगर हम आगे बढ़े तो आईफोन फोर्टीन भी देखने को मिलता है इसके अंदर भी सेम प्रोसेस

लाइट कनेक्टिविटी है जो इंडिया में चलती नहीं क्रैश डिटेक्शन तो पता नहीं यार कैसा चलेगा तो एक दो फीचर एक्स्ट्रा है उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि तीस हज़ार रुपये डालने जैसा आप कुछ है क्योंकि डिस्प्ले बिल्ड क्वालिटी इवन कवर भी सेम लग जाता है इतना सिमिलर फोन मतलब एग्जैक्ट सिमिलर फोन है तो आपको बिल्कुल भी आईफोन फोर्टीन तो मतलब आई पर्सनली फील कि नहीं लेना चाहिए जैसे अगर ये आपको सत्तर हजार में जा रहा है ना बाई चांस कहीं नहीं मिल रहा आपको आई फोन थर्टीन सत्तर हजार तक जा रहा है और अगर आप सत्तर हजार में लेने जा रहे हो तो मत लेना तो फिर आप थोड़ा सा पैसा डाल के ये लेना तो फिर ज़्यादा बेटर है लेकिन अगर आपको ये साठ के नीचे मिलता है साठ तक भी मिल जाता है तो फिर बेस्ट है ये वाला फोन सीधी बात है थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ना तो आपके पास दो फोन के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं एक है आई फोन प्लस और दूसरा है आई फोन प्रो लास्ट ईयर वाला अब जो थर्टीन प्रो है ये भी आपको नब्बे हज़ार के आसपास मिल जाएगा और 14 प्लस भी आपको नब्बे हज़ार के आसपास मिल जाएगा ये वाला फोन आपको एक लाख के आसपास मिल जाएगा 13 प्रो मैक्स ये आपको साइज प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है जैसे ये वाला फोन है ये ग्लास लगाने के बाद टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव ग्राम का हो जाता है अगर कवर डाल दो तो दो ग्राम का हो जाता है भाई तो बहुत ज्यादा हैवी है तो बहुत सारे लोगों को नहीं जमता लेकिन ये फोन बड़ा है और आप जब इसको हाथ में लोगो प्रो या फिर प्रो मैक्स दोनों भी तो पूरा स्टेनलेस स्टील का इसका बॉडी रहता है और इट फील्स वेरी डेंस इट फील्स लाइक यू आर होल्डिंग सम काइंड ऑफ ज्वेलरी और समथिंग लाइक ह्यूज मेटल चंक बहुत मतलब हैवी सा प्रीमियम सा तो आपको लगेगा कि भाई हाँ आपने कोई महंगा चीज पकड़ रखा है तो मेरे को बहुत मजा आता है मतलब ये फोन को यूज करने का अलग ही जलवा है भाई फॉर श्योर प्लस तीन कैमरा होने का अलग ही जलवा होता है भाई मतलब तीन कैमरा है मतलब आप बहुत रईस आदमी हो ऐसा लोग सोचते हैं प्लस बैक जो है इसका पूरा इसके अंदर मैट फिनिश आता है तो ये काफी जबरदस्त चीज़ है बाकी वन ट्वेंटी हज रिफ्रेश हमको ये आई फोन एंड नाइन थर्टीन प्रो के अंदर देखने को मिल जाती है एंड वन ट्वेंटी हर्च रिफ्रेश भाई मतलब कुछ पूछो ही मत इतना नेक्स्ट लेवल चीज है ना मजा ही आ जाता है आपको बता रहा हूँ तो मेरे को बहुत तगड़ा लगा भाई इसके अंदर भी हमको एप्पल का 15, चिप सेट देखने को मिल जाता है सेम कैमरा सेटअप है बारह बारह मेगा पिक्सल का, का। फ्रंट में भी हमको बारह मेगा पिक्सल का, का कैमरा देखने को मिलता है जबरदस्त फोन है भाई कैमरे के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं होगा कैमरा का जो क्वालिटी वगैरह एकदम तोड़न ताड़ है भाई आपको मजा आएगा मतलब एकदम अच्छे क्वालिटी का कैमरा एकदम फ्लैगशिप लेवल का लेकिन एक लाख रुपये का वाला फोन नब्बे हजार में आपको प्रो देखने को मिल जाएगा तो अगर आपको छोटा साइज चाहिए छोटा कम वेट चाहिए तो आप प्रो ले सकते हो लेकिन आई पर्सनली फील अगर आपका एक लाख तक बजट है तो आई 14 प्लस को छोड़ के आपको ये फोन लेना चाहिए आई फोन थर्टीन प्रो मैक्स मैंने वैसे ये दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन बनाया है अगर आपको वो देखना है तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा आप लोग देख सकते हो ये वाला फोन सबसे बेस्ट है अगर प्रो सीरीज में कोई फोन लेना होगा आज की डेट में बिकॉज आपको एक लाख रुपए मिल जाता है एक लाख रुपए में आपको देखो वन ट्वेंटी आपको एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भाई एकदम तगड़ी ब्राइटनेस है आपको कोई भी ब्राइटनेस वगैरह में भी तकलीफ नहीं आएगी आपको कैमरा में भी तकलीफ नहीं आएगी बैटरी तो भाई एकदम लाजवाब एकदम हाई एंड किलर बैटरी मतलब कोई इसमें शिकायत ही नहीं लेने वाली बैटरी के मामले में लेकिन फास्ट चार्जिंग, चार्जिंग सबके अंदर, सब अंदर वही बहुत जबरदस्त है बैटरी लाइफ भी जबरदस्त है कॉल क्वालिटी सबकी सेम है भाई आपको किसी में भी कोई शिकायत नहीं आएगा सारे फोन फाइव का सपोर्ट करते हैं सारे फोन के अंदर सिंगल सिम का सपोर्ट है अगर आप फिजिकल सिम कार्ड लगाना चाहोगे अगर आपको डुअल सिम कार्ड लगाना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा तो ये चीज यहाँ पे बता दू लाख रुपए के आसपास नब्बे हजार के आसपास आई पर्सनली फील iPhone थर्टीन प्रो एंड 13 प्रो मैक्स बहुत ज्यादा सेंस बनाते हैं लेकिन उसी जगह पर हमको यह भी देखने को मिल जाता है नब्बे का iPhone 14 प्लस अब नब्बे हजार रुपये की ये घड़ी भी देता है एप्पल वाला सोचो नब्बे हज़ार रुपये की एप्पल वॉच अल्ट्रा बेच रहा है तो एप्पल तो मतलब पगला चुका है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन नब्बे हज़ार रुपये में ये फोन कैसा है भाई अब ये जो फोन है आई फोन फोर्टीन प्लस ये भी बहुत नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर भी जो थर्टीन प्रो मैक्स है उसके जैसे डिस्प्ले आती है लेकिन ब्राइटनेस की थोड़ी सी कमी है जैसे इसके अंदर एट हंड्रेड का ब्राइटनेस है ये जो फोन है ये फोर्टीन प्लस ये इस साल का है जो लास्ट ईयर का प्रो मैक्स है उसका डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा बेटर है उसमें वन ट्वेंटी डिस्प्ले है ये नब्बे हज़ार रुपये में सिक्सटी एर्ट डिस्प्ले चिपका रहा है एप्पल वाला सोचो अभी आप लोग ये थोड़ा सा सोचो लेकिन यहाँ पर दो कैमराज हैं ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये फोन के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटा है एकदम कॉमिकली तो स्मॉल बोलते हैं ना वैसा टाइप का दिखता है दिखता है बट ऐसा कुछ खराब नहीं है ऐसा अजीब सा दिखता है लेकिन काम चल जाता है वेट भी इसका कम है ग्लास लगा के दो ग्राम तो आपको बहुत ईजी हैंडेबल मैनेजेबल हो जाता है सबसे बड़ा कौन ये फोन का है ना इसका डिस्प्ले है इसका डिस्प्ले मस्त है मतलब क्वालिटी अच्छी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी क्वालिटी में कल वगैरह सेचुरेशन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह में कोई शिकायत नहीं है लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि भाई सिक्सटी एट है जो पूरा मूड खराब कर देता है उसके अलावा तो भाई ठीक है बाकी फोन के अंदर सेम हमको एप्पल का चिपसेट देखने मिलता है

बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो ये फोन ले लेना बिकॉज आज के डेट में जितने आई फोन पर आप लोग देख रहे हो इवन जितने एंड्रॉइड आपने देखे होंगे मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट बैटरी लाइफ वाला फोन यही है फॉर श्योर sure, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैटरी सबसे ज़्यादा नंबर वन प्रायोरिटी आपकी तो आप आईफोन 14 प्लस ले सकते हो उसके अलावा आई डोंट थिंक ये फ़ोन का होना कोई सेंस बनाता है टू बी ऑनेस्ट इन द प्राइस रेंज ऑफ 90,000, थाउजेंड ठीक है अगर ये फोन अस्सी हजार रुपए में होता तो भाई मजा आ जाता तो, तो मैं फुल रिकमेंड करता लेकिन नब्बे हजार रुपए में तो मैं आई कांट रिकमेंड दिस फोन यार। इससे बेटर आप आईफोन थर्टीन प्रो मैक्स लेना ठीक है उसके बाद बिग लीग में जाएंगे आप लोग तो आपके पास दो ऑप्शन है एक तो iPhone 14 Pro है अब ये जो iPhone 14 Pro है भाई इसका तो जलवा ही अलग है और इसका एक बड़ा भाई है जो है iPhone 14 Pro Max कुछ इस तरह का लुक आता है उसका भी तो iPhone 14 Pro Max और Pro तो एकदम सेम टू सेम है वही सेम डिज़ाइन है एल्यूमिनियम की बॉडी है और बैक में मैट वाला बैक है बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है भाई और इस बार कैमरा का पूरा चेंजेस किए हैं इन हैंड फील वगैरह तो वही सेम टू सेम ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर वही नॉर्मल सड़ेगा साहब यू नो लाइटिंग पोर्ट और वही पावर बटन सारी चीज ऑलमोस्ट सेम टू सेम है इधर पे LiDAR सेंसर है 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 फ्लैश का थोड़ा सा मॉड्यूल अलग किया हुआ है। बाकी ओवरऑल जो लुक फोन का वो अच्छा है लेकिन फ्रंट में जैसे आप मूव करते हो तो ये सारे फोन के कम्पेरिजन में फ्रंट यहां पर चेंज है बिकॉज पर हमको ये पिल वाली नॉच देखने को मिलती है जिसका नाम है डायनेमिक आइलैंड ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव है जैसे देखो लॉक खोलता हूँ ना तो देखो, किस तरह से वो बड़ा किया जाता है, है तो मतलब लॉक खोलने में और जैसे मैं टाइमर वगैरह लगाता हूं टाइमर लगाया देखो इधर पे आ गया उस पर टाइप करूंगा फटाक से खुल जाएगा टाइप करूंगा खुल जाएगा और अगर मैं इसको टाइप एंड होल्ड करूंगा तो यहाँ पर छोटे से आइकन में आ जाएगा तो नॉच

कैमरा की क्वालिटी है ऑलमोस्ट सेम टू सेम बात कर रहा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रो रेस शूट कर देते हो दोनों में प्रो रेस शूट होता है तो कोई टेंशन लेने की इसमें भी जरूरत नहीं है बट सिनेमेटिक मोड है ना जो बैकग्राउंड ब्लर वाला वीडियो है ये जो फोर्टीन सीरीज है चाहे फोर्टीन नॉर्मल ले लो चाहे प्लस ले लो चाहे आप प्रो, प्रो ले लो चाहे प्रो मैक्स ले लो सबके अंदर हम फोर में शूट कर सकते हैं यह एक्स्ट्रा एडवांटेज है बाकी वो क्रैश डिटेक्शन ये वो हमको देखने को मिल जाता है लेकिन एक लाख तीस हजार रुपया इसका बेस प्राइस है अब ये जो है टू फिफ्टी सिक्स जीबी वाला है तो एक लाख चालीस हजार का है तो डेढ़ लाख रुपया अगर आप डाल सकते हो और आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए भाई आपको सब दिखाना है आपको डायनेमिक आइलैंड शो ऑफ करना है भाई हर जगह चमकाना है डायनमिक आइलैंड तो फिर आप ये ले सकते हो प्लस इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है तो हर जगह आप डायनमिक आइलैंड को चमका सकते हो तो उसके लिए ये वाला फ़ोन लेना है बाकी अगर सेंसेबल परचेज की बात करूँ तो प्रो में आई फोन थर्टीन इज़ बेस्ट एंड नॉर्मल अगर आपको नॉन प्रो फोन चाहिए तो उसके लिए आई फ़ोन इज़ बेस्ट फॉर शोर तो या बाकी तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब आईफोन्स में सेम होती है जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है सबका सेम टू तो सेम आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझ में आएगा सॉफ्टवेयर में बस यही है कि थर्टीन सीरीज के बाद जितनी सीरीज है जैसे थर्टी और फोटीन है तो दोनों में ना आपको रिफ्रेश रेट में डिफरेंस नहीं मिलेगा लेकिन जैसे प्रो में जाओगे आप थर्टीन प्रो या फिर फोर्टीन प्रो उसके अंदर आपको एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने को मिलेगा जो है उसका रिफ्रेश रेट वहीं से मैं आपको बोलूंगा अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप थर्टीन प्रो की तरफ जा सकते हो या थर्टीन प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हो आप बॉलर आदमी हो भाई जी वैगन में चलने वाले तो फिर आप तो फोर्टीन प्रो मैक्स ही लोगे तो भाई मैं उसमें क्या ही बोल सकता हूं लेकिन अगर सेंसिबल परचेज है आपको नॉन प्रो आईफोन चाहिए तो आईफोन थर्टीन ज द स्वीटेस्ट डील राइट ऑन यू कैन गो है विद डेट लेकिन अगर आपका बजट कम है थोड़ा सा आपका चालीस हजार तक बजट है तो आप आई फोन ट्वेल्व की तरफ भी जा सकते हो लेकिन अगर आपका बजट और भी कम है आपको आई फोन एलेवन चाहिए तो मतलब वो भी आप ले सकते हो लेकिन आई डोंट थिंक वो यार लेना वर्थ है बट ठीक है मतलब उसमें फोर जी है एल सी डी स्क्रीन है लेकिन अगर आपको आईफोन एक्सपीरियंस करना है तो आप ले सकते हो अच्छा फोन है वो भी खराब नहीं है और देखो बहुत सारे लोग को सेकंड हैंड फोन चाहिए रहता है तो अगर आपको सेकंड हैंड फोन बाय करना है ना तो आई पर्सनली सजेस्ट यू दो तीन चीजें अपने ध्यान में रखो पहली ट्रस्ट वर्दी बंदे से लो भाई जिस पर आप एकदम आँख बन करके ट्रस्ट कर सकते हो ना उससे लो उससे पूछो और अगर आपको चीज़ें ज्यादा फोन वगैरह के बारे में पता नहीं है तो प्लीज कोई ऐसे बंदे से पूछो जिसको फोन वगैरह के बारे में मालूम है जैसे आपका हर ग्रुप में एक तो ऐसा होता होगा ना भाई जैसा मेरे ग्रुप में मैं टेक बूफे हूँ वैसे आपके ग्रुप में भी कोई होगा टेक वाला बंदा जिसको टेक के बारे में ज्यादा नॉलेज है तो उसको लेके जाओ फोन लेने के लिए तो वो बताएगा कि भाई कहीं फेक आपको आईफोन ना दे दिया जाए सेकेंड हैंड में चिपकाने के चक्कर में तो वो चीज़ है बैटरी हेल्थ चेक कर देना आप ये चेक कर देना कि फोन में कुछ खुला उला तो नहीं है अगर वारंटी में फ़ोन है तो सबसे बेस्ट है तो आप एप्पल की गैलरी में जाके चेक करवा सकते हो तो लेने से पहले तो बेस्ट रहेगा बाकी थोड़ा सा तू तू टू गुड टू बी ट्रू वाले ऑफर्स की तरफ बिल्कुल मत जाना जैसे आपको कोई आई फोन जो है या आपको कोई आई फोन जो है पच्चीस हज़ार में दे रहा है आई फोन की बात कर रहा हूँ पच्चीस में अगर आपको कोई दे रहा है तो भाई हंड्रेड फेक है तो उससे दूर रहो या तो फिर उसका डिस्प्ले चेंज हुआ है कुछ गड़बड़ है या तो फ़ोन के अंदर या तो वो फ़ोन ही फेक है या तो वो स्कैम कर रहा है तो फिर वैसे लोगों से दूर रहो सो या इतना ही था आई होप आपको इस वीडियो से जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी एंड आई होप आपके जो बाइंग डिसीजन है उसमें मैंने कुछ आपकी हेल्प किया रहूंगा अगर हेल्पफुल थी भाई इतनी महंगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड आई नो कि थोड़ा सा मतलब ये वीडियो ना बहुत सारे लोग के काम आ सकती है तो आपका कोई दोस्त है जो आईफोन आई करते रहता है उसको आई लेना है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उसके लिए सो या थैंक यू सो मच वॉच watching this video guys bye